नमस्कार आदरणीय रानी चुरेकिनी बरिया। मंचो उच्चारण के साथ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का हुआ शुरुआत। बलिया जिले के हनुमानगंज बाजार स्थित श्री शिव मंदिर के पास और ऐसी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का मंचो उच्चारण के शुरुआत हुआ। ये महायज्ञ 28 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च को भव्य भंडारे के साथ समापन होगा। यज्ञ प्रवचनकर्ता श्री दया शंकर शास्त्री जी महाराज ने जब हमसे बात की तो उन्होंने बताया कि यह धुएं से वातावरण शुद्ध होता है। महाराज जी, आपसे हम परिचय चाहेंगे। मेरा नाम पंडित दया शंकर शास्त्री है और मैं काशी से अध्ययन करके अपने बलिया जनपद में आकर के ये धर्मार्थ कार्य के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए यज्ञादि कार्य करवाता हूँ। महाराज, ये किस तरह का यज्ञ है, कुछ हमें बताएंगे? यज्ञ से क्या लाभ है, क्या कर्तव्य किया जाता है यज्ञ में, कुछ बताइए हमें। यज्ञ से समस्त मानव जाति का कल्याण होता है और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि यज्ञ वह श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ सर्वश्रेष्ठतम कर्म है जिससे समस्त मानव समाज का भला होता है। और एक और बात है कि यज्ञ ने सर्वान कामान वापनोत, यज्ञ से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और यज्ञ से वातावरण भी शुद्ध होता है। साइंस ने इस बात को स्वीकार किया है कि यज्ञ का धुआं जहाँ जहाँ तक जाता है वहाँ वहाँ तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है, इसीलिए यज्ञादि कर्म किया जाता है। महाराज जी, आजकल ये देखा जा रहा है कि आजकल खासकर के जो युवा पीढ़ी है, देश में जो माहौल चल रहा है, कहा जाता है कि कोई कहता है कि हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, हम कहते हैं कि धर्म चश्मा उतार देखो पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। तो क्या आप इस यज्ञ के माध्यम से इस देश में बन रहे आजकल के माहौल को क्या कुछ देखा जा सकता है, क्या इस यज्ञ इसमें कोई? मेरा तो मुख्य उद्देश्य यही है, आज की जो युवा पीढ़ी है जो गलत रास्ते पर चल रही है या युवाओं की जो सोच बदली हुई है, उसी सोच को बदलने का मेरा अथक प्रयास है कि सोच को बदला जाए और युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर ले जाया जाए। क्योंकि मेरा धर्म कोई कमजोर नहीं है कि युवा पीढ़ी बिगड़ जाए। अगर हम लोग धर्म को सही मार्गदर्शन दिखाएं और इन युवाओं को सही मार्गदर्शन दिया जाए, यही हमारी इस देश की युवा पीढ़ी जो है इस समाज के कल्याण कर सकते। महाराज जी, कहा जाता है कि किसी देश के युवा ही उस देश के भविष्य होते हैं, लेकिन आजकल के युवाओं में ये अक्सर देखा जाता है वह सनातन धर्म और या अपने धर्म को छोड़कर पाश्चात्य शैली में ज्यादा निमित होते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ, आपका प्रश्न तो बहुत सुंदर है कि आज का युवा जो है पाश्चात्य शैली में जा रहा है, लेकिन अब से परिवर्तन अब शुरू हो रहा है। परिवर्तन, आज युवा परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। क्योंकि पहले के जमाने में यज्ञ आदि कर छोटा हुआ करते थे या कम होते रहते थे, लेकिन आज हर जगह देखिए कि युवा जो है धर्म के प्रति अग्रसरित हो रहा है और युवा बदल रहा, चाहता है कुछ अच्छा हो और अच्छा हो भी रहा है। महाराज जी, अंत में आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप हमारे जैसे युवा के लिए और सभी युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या यह धर्म का पालन करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और कहां तक करना चाहिए? खास करके मैं इस गांव में जब से आया हूं, युवाओं को देखता हूं तो युवा तो ठीक है, चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, और युवाओं के बिगड़ने में नशा का विशेष योगदान है और इसीलिए मैं नशा छुड़ा करके युवाओं को सही मार्गदर्शन देना चाहता हूं। जिस दिन युवाओं का नशा छूट जाएगा, हमारा युवा बदल जाएगा और हमारे देश का कल्याण हो जाएगा, गांव का कल्याण हो, जिला का कल्याण हो, अंत में देश का भी कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, जो लक्ष्य आप लेके चल रहे हैं युवाओं को बदलने का, आपको कहाँ तक विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य प्राप्ति तक पहुँच रहे हैं? मेरा धर्म जो है इतना कमजोर नहीं है कि युवाओं को बदला नहीं जा सके। हमारी जो शिक्षा है, ज्ञान है, उन ज्ञान के बदौलत, शिक्षा के बदौलत मुझे विश्वास है, संपूर्ण विश्वास कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों निश्चित युवा बदलेगा और मेरी बातों को सुनेगा, सुनकर उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेगा, कर रहा है और निश्चित करेगा। मुझे भरोसा है, मुझे अपने धर्म पर, मुझे अपने कर्म पर और मुझे अपने ज्ञान पर, एक न एक दिन निश्चित ही परिवर्तन होगा और हमारे इस देश का निश्चित ही भला होगा।